कहाँ से आई है, ठीक है। चलो एक कहता वन के जी मास इज सस्पेंडेड बाई ए थ्रेड, एक थ्रेड है, एक थ्रेड है उससे हमने वन के जी मास अटैच कर दिया, ठीक है, क्लियर है, और इसमें टेंशन टी वन आ गया। वन के जी मास इज सस्पेंडेड बाई थ्रेड, इट इज लिफ्टेड अपवर्ड विथ एक्सलेशन। अब इसको एक्चुअली इसको ऊपर ले जाया जा रहा है, इसको ऊपर ले जाया जा रहा है, यहाँ पर सवाल ऐसे है, ठीक है, ठीक है। चलो एक यहाँ पर मास है वन के जी का, इसको स्ट्रिंग से अटैच करके मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ पहले केस में, सवाल पढ़ लो, और पहले केस में एक्सेलेरेशन 4.9 है, और उसके बाद फिर इसको नीचे ले जा रहा हूँ 4.9 से, तो स्ट्रिंग में टेंशन का रेशियो निकालना है। तो चलो मान ले हो, जब इसको ऊपर ले जा रहा हो एक्सेलेरेशन 4.9 से, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो स्ट्रिंग में टेंशन टी वन है, और नीचे इसका वेट एम जी लग रहा होगा, तो टेंशन T1 माइनस एम जी दैट इज द एम ए, इस टाइम एम ए होगा, तो T1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो एम ए प्लस जी के इक्वल आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हो गया क्लियर। उसी तरह से जब ये दूसरे केस में जब इसको नीचे करेंगे, ये 1 kg है और ये इसमें टेंशन T है, और जब ये नीचे डाउनवर्ड एक्सलेट हो रहा है तो एम जी नीचे लग रही होगी, और इस पर जो टेंशन है वो अभी भी ऊपर ही लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम जी माइनस टेंशन टी टू इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, समझना, ए टेंशन टी टू लिया भाई, ऐसे मैंने धागा से थ्रेड से एक स्टोन बांधा है, उसके बाद उसको ऊपर ले जा रहा हूँ 4.9 मीटर से, फिर उसको स्लोली कम किया, थ्रेड हल्का किया, नीचे जा रहा अपने आप, ठीक है, एम जी अधिक है, तो यहाँ टेंशन टी टू, तो टी टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो एम ए प्लस जी के इक्वल आ जाए, एम जी माइनस में क्या कर रहा हूँ भाई, जो टी टू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, टी टू इज इक्वल टू एम और जी माइनस ए आ जाएगी, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये पूछ रहा है T1 T2 की रेशियो यार, तो T1 T2 की रेशियो कैसे निकाला जाए, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, तो T1 और T2 की रेशियो निकालने के लिए T1 डिवाइडेड बाई T2 दैट इज T1 D2 ए प्लस जी और जी माइनस ए, बात बराबर है, तो ये 9.8 और प्लस 4.9 और 9.8 माइनस 4.9, तो 9.8, ठीक है, और 17, ठीक है, और 13-14 14.7 और डिवाइडेड बाई 4.9, ठीक है, तो 4.9 इसको जोड़ लो, पॉइंट ने पॉइंट को ख़त्म कर दिया, तो यह आ जाएगा 3:1, 3:1 मतलब सी ऑप्शन सही है ना, क्लियर है।